तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं ये बताया हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लिमिट में रहे, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो वह कौन सी चीज़ होते हैं ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें यही बताया हूँ कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कैसे रखा जाता है, वह कौन सी पदार्थ खाकर हमें अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए ड्रेस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इसमें जिस पदार्थ में पोटेशियम हो, कैल्शियम हो तथा मैग्नीशियम के युक्त खाद्य पदार्थों का आहार हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जैसे कि बता दूँ सब्जियों में, तो आप सब्जियों में ले सकते हैं बैंगनी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, लीमा ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं और बीटन स्क्वैश आदि का अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसको सेवन करते हैं तो आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रित रहेगा। और फल में बता दूँ तो देखिए, फल में जिसमें तरबूजा आता है, केला आता है, कीवी आता है, पुना आता है और सुबानी आदि शामिल। इसके अलावा खट्टे फलों का भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और एक हिस्सा बना लीजिए अपने जीवन के लिए कि हमें यही चीज़ खाना चाहिए जिससे हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लीन मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिश और अंडे का सफ़ेद भाग भी खा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप अंडा खाते हैं तो उसका सफ़ेद भाग खाइए, पीला वाला भाग न खाइए। उसके अलावा नोट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, कद्दू का बीज खा सकते हैं और साथ ही साथ पिस्ता ले सकते हैं, चिया ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं आदि। ये सभी अपने अपने जीवन में आहार के रूप में ले सकते हैं कि इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रित रहेगा। साबुत अनाज ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं और मावे ले सकते हैं, वनस्पति ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की ये कौन सी वह जरूरी टिप्स होती है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, मैं कल के वीडियो में अपलोड किया हूँ, तो उस वीडियो को पहले देखिए। देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं कि उसमें आप मैं बताऊँगी ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए। हमें भूल कर वो 8 चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो वह आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। तो देखिए, नियमित रूप से हमें रक्तचाप की जांच कराना चाहिए। जब हमारा बीपी हाई रहता है तो हमें नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर को जांच कराना चाहिए और अपने जीवन के दिनचर्या में हमें योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ठीक, और एक निर्धारित समय पर सोएं और निर्धारित समय पर उठें। आप एक नियम बना लीजिए, मुझे इतना बजे सोना है और इतना बजे उठना है और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, पानी की मात्रा देर पिए। मैं ये बता दूँ जो डॉक्टर साहब दवाइयाँ देते हैं वो टाइम पर लेते रहें। ठीक, और इसके अलावा मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे आदमी क्वेश्चन करते हैं कि क्या चावल खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो नहीं, चावल खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, आप चावल ले सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है कि क्या दूध पीने से बीपी बढ़ता है। जी नहीं, लो फैट वाले दूध पीने से बीपी नहीं बढ़ता है। इसमें पोटेशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायता कर सकता है। हालांकि अगर होल फैट मिल्क का सेवन करते हैं तो इससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ सकता है। ठीक, और मैं ये बता दूँ हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा नमक खाना चाहिए। यह भी बहुत सारे आदमियों को क्वेश्चन रहता है कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा नमक खाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर में नमक से परहेज करना चाहिए, मतलब कि नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसे में अगर डॉक्टर की सलाह पर टेबल साल्ट की जगह पर हिमालयन साल्ट
टेबल साल्ट की जगह पर हिमालयन साल्ट और रॉक साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये बता दूँ, एक और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है आदमियों का, वो कौन से क्वेश्चन है, तो देखिए बीपी बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है, तो देखिए मैं ये बता दूँ, बीपी बढ़ने का मुख्य कारण अधिक नमक का सेवन करना या मोटापा होना या अनहेल्दी खान पान लेना, ये सभी इसके मुख्य कारण है। और एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि नमक कम करने से ब्लड प्रेशर कितनी जल्दी कम होती है, तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए उस वीडियो में बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहले आए नमक, नमक के सबसे पहले स्थान पर आता है, इसलिए नमक को कम करने में कुछ हफ्तों में आपके बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हालांकि ध्यान रहे, इस दौरान अगर डॉक्टर साहब ने किसी तरह की बीपी की दवा दी है तो उसे लेते रहें और उसे लेते रहें, जैसे कि डॉक्टर साहब आपको डोज बताए हैं वैसे ले सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को खाते हैं तो और ज़्यादा आपको बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको ज़्यादा से भी हेल्पफुल मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ला और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।